हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे गैंगटॉक से दार्जिलिंग तक के सफ़र की डिटेल शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैंने शेयरिंग टैक्सी में सफ़र कैसे तय किया था, गैंगटॉक से सुबह हम लोग कितने बजे निकले थे और शाम में दार्जिलिंग कब पहुँचे। साथ ही मैं आपके साथ इस सफ़र की छोटी बड़ी डिटेल शेयर करता रहूँगा खर्चे के साथ साथ। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सफ़र। दोस्तों, गैंगटॉक में हम लोग दो दिन रुके थे, जिनकी ट्रिप की डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरे दिन सुबह कुछ 9:15 तक हम लोगों ने होटल चेकआउट कर दिया था और आज का हमारा प्लान दार्जिलिंग जाना था। दार्जिलिंग जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी ड्योरेली बाजार टैक्सी स्टैंड से निकलती है, जिसका डिस्टेंस हमारे होटल सेंट्रल हिल रिजॉर्ट से 1.8 किलोमीटर था, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने लोकल टैक्सी बात कर ली थी। ये छोटा सफ़र तय करते हुए कुछ 5 मिनट में हम लोग ड्योरेली बाजार टैक्सी स्टैंड पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें सुबह के 9:20 हो गए थे, और टैक्सी स्टैंड पहुँचते ही सबसे पहले मैंने दार्जिलिंग के 2 टिकट ले लिए थे काउंटर से, और यहाँ से हमारा वेटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था। क्योंकि दोस्तों, यहाँ से दार्जिलिंग जाने वाली शेयरिंग टैक्सी रेडिली अवेलेबल नहीं होती है, और यहाँ एक शेयरिंग टैक्सी में कुछ 8 से 10 लोगों को बिठाया जाता है, और जब तक ये 8 से 10 टिकट नहीं बिक जाते हैं, यहाँ से गाड़ी नहीं निकलती। ये टिकट की फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं। खैर, कुछ 2 घंटे के इंतज़ार के बाद सारी टिकटें बिक गई थी, और दार्जिलिंग तक जाने के लिए हमें ये वाली गाड़ी अल�ट हुई थी। शेयरिंग टैक्सी के अंदर हमें लास्ट की 2 कॉर्नर सीटें मिली थी, जो थोड़ी कंजेस्टेड ज़रूर थी। यहाँ दोस्तों, मेरी एक एडवाइस ये है, अगर आप 2 लोगों और आपको कंजेस्टेड बैठना ठीक नहीं दिख रहा है, तो आप 2 की जगह 3 टिकटें ले लें, सो दैट 3 सीटों में 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। खैर, फाइनली सुबह के कुछ 11:15 को हमारी गाड़ी यहाँ से निकल गई थी। दोस्तों, गैंगटॉक से दार्जिलिंग तक का डिस्टेंस कुछ 106 किलोमीटर है। गैंगटॉक में हम लोगों ने इस लोकेशन में टैक्सी पकड़ी थी, और दार्जिलिंग में बीधन रोड के इस लोकेशन में टैक्सी ने हमें ड्रॉप किया था। टैक्सी में बैठने से पहले आप लोग वॉशरूम वगैरह भी हो लें, और अपने साथ कुछ स्नैक्स और वाटर बॉटल भी रख लें, क्योंकि टैक्सी के स्टॉपेज ज़्यादा नहीं हैं। और सफ़र शुरू होने के कुछ 1.25 घंटे बाद हमें ये नज़ारा देखने को मिला। यहाँ से वादियों के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। दोस्तों, ये राइट साइड जो आप लोग रिवर देख रहे हैं, इसका नाम है तीस्ता रिवर। इसका ओरिजिन ईस्टर्न हिमालयस में है, और ये आगे जाकर बांग्लादेश में चली जाती है, और इस लोकेशन में ये रिवर ही सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल का बॉर्डर मानी जाती है। इस नदी की वजह से सफ़र की सुंदरता में 4 चांद लग गए थे। ये नदी काफ़ी ब्रॉड है दोस्तों, और आगे जाके हमें इसे पार भी करना है। मौसम काफ़ी साफ था, और खिली धूप होने के कारण सफ़र के नज़ारे काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, और इस सारे सफ़र में रोड्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी दोस्तों। सफ़र शुरू होकर लगभग 2 घंटे हो चुके थे, और तब हम लोगों ने ये ब्रिज क्रॉस किया था। ब्रिज क्रॉस करते समय हम लोग पहाड़ी इलाके में काफ़ी नीचे की तरफ थे, और ब्रिज पार करने के बाद पहाड़ी इलाके में हमारी चढ़ाई फिर से शुरू हो गई थी। कार में राइट साइड कॉर्नर की तरफ बैठने के कारण लेफ्ट साइड के नज़ारे ठीक से कैप्चर नहीं हुए हैं। यहाँ लेफ्ट साइड आप लोग चाय के बागान भी देख सकते हैं। इस पहाड़ की चढ़ाई काफ़ी स्टीप थी। ब्रिज क्रॉस करने के लगभग 20 मिनट में ही हम लोग ऊपर तक पहुँच गए थे, और यहाँ पीछे की तरफ से आप लोग नज़ारे देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और काफ़ी रिलैक्सिंग थे ये। और दोपहर के लगभग 1:45 को ड्राइवर ने लंच के लिए रोका था यहाँ पे, और यहाँ पे राइट साइड मंगोलियन रेस्टोरेंट में हम लोगों ने लंच किया था। ये हमारा पहला ऑफिशियल हॉल्ट था। ड्राइवर ने हमें कुछ 1/2 घंटा दिया था यहाँ लंच करने के लिए। सफ़र के कारण हमें ज़्यादा भूख लग नहीं रही थी, इसलिए हम लोगों ने मोमोज, मैगी और चाय मंगा ली थी। कुछ 1/2 घंटे में लंच फिनिश करके हम लोग बाहर आ गए थे, और कुछ 10 मिनट के इंतज़ार के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, और लगभग 2:25 को हम लोग यहाँ से निकल गए थे। मंगोलियन रेस्टोरेंट से दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस कुछ 24 किलोमीटर था। यहाँ से हमारे सफ़र में थोड़ा बदलाव आया था। टी गार्डन दिखना कम हो गए थे, और यहाँ पे हमें पाइन फॉरेस्ट ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन यहाँ का लैंडस्केप भी काफ़ी सुंदर था दोस्तों। बीच बीच में जंगल का एक्सपीरियंस भी काफ़ी यूनिक था, और जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ की रोड्स वगैरह तो काफ़ी अच्छी हैं, और यहाँ से दूर वादियों के नज़ारे भी काफ़ी सुंदर दिख रहे थे सफ़र में। और कुछ 10 मिनट में ही लामाहाटा आ गया था। लामाहाटा भी दार्जिलिंग का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो दार्जिलिंग से कुछ 20 किलोमीटर अवे है। यहाँ का इको पार्क भी काफ़ी फेमस है दोस्तों। आज फ्राइडे की शाम थी, और जैसे हम लोग दार्जिलिंग पहुँचने वाले थे, उसके आउटर में काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम हमें मिला, और शाम के लगभग 3:50 तक हम लोग घूम तक पहुँच पाए थे, और यहाँ से हमें टॉय ट्रेन के ट्रैक्स दिखना शुरू हो गए थे। ये पीछे आप लोग घूम रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। दार्जिलिंग से यहाँ तक टूरिस्ट की टॉय ट्रेन चलती है जॉय राइड के नाम पर, और यहाँ हम लोगों ने पहली बार दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन देखी थी। ये टॉय ट्रेन रोड के ऊपर से ही गुजरती है, इसी वजह से ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, और ये एक टूरिस्ट टॉय ट्रेन है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था।
खैर छोटा सफ़र तय करते हुए शाम के लगभग 5 बजे तक हम लोग बीदन रोड के इस लोकेशन में पहुंच गए थे और यहाँ हमारा शेयरिंग टैक्सी का सफ़र समाप्त हुआ। दार्जिलिंग में हमारा स्टे होटल जगजीत युमा में था, जिसका डिस्टेंस कुछ 400 मीटर था। यहाँ से आगे तक के सफ़र की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अपने अगले सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।